मौर्य मंगल मूर्ति मौर्य बोलो अंबे माते की जय। हर हर महादेव। योप्पा मौर्य मंगल मूर्ति मौर्य। तो चलो दोस्तों, आज हम फिर से निकल चुके हैं एक छोटी सी राइड पे। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ हम कहाँ पे एग्जैक्टली जा रहे हैं, क्योंकि अभी अंधेरा है। कहीं से हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है मैगडी है, आप देख सकते हो राइट साइड में कलमगोली, और ये पेट्रोल स्टेशन है। तो 500 का मैंने डाल दिया अभी, वैसे था पेट्रोल लेकिन मैंने सोचा चलो बाद में डालना ही पड़ेगा, यहीं पर डाल देते हैं। अभी निकल रहे हैं सुबह के, अभी ऑलमोस्ट अभी 5 बज चुके हैं। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हम कहाँ पर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पीछे लिखा है श्री एकवीरा। तो हम अभी हैं एकवीरा माता मंदिर में, और अभी चल रही है चैत्र नवरात्र। तो आपको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्र में हमने सोचा कि माता के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह मैं 4:30 बजे घर से निकला था। तो आपने मेरे पहले भी व्लॉग देखे रहेंगे जब मैं एकवीरा आया था नवरात्र वगैरह में, तो आपने देखा रहेगा काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो अभी बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हो ज़्यादा लोग नहीं है। तो हम अभी दर्शन लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन मिले। आधा घंटा लगा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आप आते हो तो हमने तो 3-3, 4-4 घंटे भी लाइन में खड़े रहे हैं। लेकिन आज आधे घंटे में दर्शन हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अब देख सकते हो, मुझे पता भी नहीं चला ये सब कब लगा। तो जब मैं माथा टेक रहा था तब शायद से तभी ये लग गया सर पे। तो पहली बार काशी को हम लेके आए हैं एक बिरा में। दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और जूते वगैरह पहन लिए मैंने। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, भूख लगी है, पहले नीचे जाते हैं
काशी के यहाँ पे। सो गाइस इस बार हम काशी को लेके हैं। अगर आपको मालूम नहीं काशी कौन है, तो काशी इस हमारी बाइक का नाम है। हमने अपने बाइक का नाम काशी रखा था, तो पहली बार काशी को हम एक्वेरा लेके आए हैं। तो अभी नीचे जाते हैं, पार्किंग में काशी पार्क्ड है, और वहाँ से निकलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। आप देख सकते हो ये पंडाल वगैरह जो लगा है, ये अभी चैत्र नवरात्र चल रही है और उत्सव होता है एकवीरा माता का, तो उसी की ये तैयारी है। जिस दिन उत्सव रहेगा ना, आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे ये पूरी जगह पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। A few moments later. So guys, हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में और अभी जाएंगे नाश्ता करने, बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं घर से निकलते समय ये ब्रेड, मैं हर्शलीज का जो आलमंड चॉकलेट आता है ना, वो स्प्रेड वो मैं लगा के लाया हूँ। तो ये पहले दो खाते हैं, फिर कहीं पे अच्छा खासा पेट भर के नाश्ता करते हैं। तो चलो ये खाता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस हो चुका है खा के, अभी यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में कहीं पे नाश्ता करते हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो पार्किंग फुल हो गई है और अभी ये रोड पे भी गाड़ियाँ लगने लगी है। तो अच्छा है हमने जल्दी आए और दर्शन ले लिए, वरना अगर लेट आते थे तो काफ़ी टाइम निकल जाता था। तो नो डाउट मुझे 3 बजे उठना पड़ा और 4:30 बजे मैं घर से निकला, अराउंड 7 o'clock मैं ऊपर था और आधे घंटे में दर्शन हो गए। और अभी यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होता है ये पार्किंग का यहाँ पे, फिर भी ये भीड़ ज़्यादा नहीं है। आप अगर देखोगे कि एकवीरा की जो भीड़ होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी होती है। अब ये बंदे ने राइट से, समझना चाहिए इसको, बड़ी गाड़ी है, राइट से ओवरटेक कर रहा है। सी सब होशियार लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे तो लग रहे हैं, पता नहीं अभी सिर्फ स्कूल में पढ़े हैं कि कुछ कॉमन सेंस भी है। सर है सर, अगर जाता ही नहीं था ये तो इतनी दिक्कत तो होती नहीं थी, पूरा जाम हो गया अभी। सो गाइस ये स्लोप है ना, बहुत स्टीप है, भाई साहब स्टीप है। कैमरा में ये पता नहीं चलता रहेगा बट ये जबरदस्त स्टीप है। यहाँ पे अगर आप कार लेके आते हो और मैनुअल कार है और आप रोकते हो किसी के लिए, तो एटलीस्ट है ना आधा फीट ही पीछे जानी है गाड़ी, फिर ही उठेगी। चलो कोई नहीं, हमारे तो दर्शन हो गए, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से अभी जाएंगे मनस शक्ति। अगर आप मुझे फॉलो करते हो और लोनावला के व्लॉग्स मेरे देखे हैं जब भी मैं पहले आया था, या तो इस रास्ते से भी मैं जाता हूँ, तो मनस शक्ति करके एक जगह है जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट या जो भी है स्नैक्स वगैरह, वेरी गुड प्लेस, टेस्टी फूड। तो चलो हम नीचे आ गए। जब भी सीजन होता है ना, अभी भी मतलब कल परसों इसकी पालकी होगी एक्यूरा की, तो ये यहाँ से ये बंद कर देंगे, गाड़ियाँ ऊपर अलाउड नहीं है, आपको रिक्शा से ऊपर जाना है यहाँ से, या तो चल के जाओ। तो आप सोचोगे अब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे एक मेरा मामा है, वो शायद से अभी रहेगा यहाँ पे एक्यूरा में, तो बस चेक करके आता हूँ और लगे हाथ मिल लेता हूँ उसको और फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर रहेगा तो मिलते हैं, वरना निकल जाएंगे यू टर्न मार के। सो गाइस उन लोग नहीं है यहीं पे, मतलब वीकेंड में यहाँ पे आते हैं। और ये सामने इन लोग के रूम्स वगैरह हैं जो लोग रेंट पे देते हैं, जस्ट फॉर द जो भी यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए। अरे माँ कसम स्लोप है ना। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से,
यहाँ पे हर जगह है ना चढ़ाई है, या तो आपको उतरना है या तो चढ़ना है। साइड में आपको ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है, पहले ये एक ही रास्ता था ऊपर जाने के लिए, मतलब यहीं से शुरू होता था। ये बाजू में ये मंदिर है, मंदिर के दर्शन लेते थे, फिर यहाँ पे दर्शन लेके चढ़ाई शुरू करते थे। उसके बाद ये जो पार्किंग वाला है ना जो ऊपर बना है, वो बाद में काफी बना, लेकिन बचपन में जब भी हम यहाँ पे आते थे तो इसी सीढ़ियों से जाते थे ऊपर। इनफैक्ट हमारी स्कूल की पिकनिक भी आई थी यहाँ पे। सो गाइस, आपने देखा रहे मेरे पुराने वीडियो में, मैं ये सामने यहीं पे खड़े रह के जब मैं गोवा या पुणे में जाता था, यहाँ से मैं एकलव्य माता का जयकारा लगाता था। लेकिन पहली बार काशी को लेके मैं आया एकलव्य, तो अभी हमने हाईवे टच किया और 4-5, 5-6 किलोमीटर पे मना शक्ति है, स्ट्रेट रोड है ये। सो गाइस, हम मना शक्ति आ चुके हैं। सो दिस इज मना शक्ति रुचि प्रयोग, ये इनका कैंटीन है और ये यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट है। तो हमने मंगाया है मिसल। सो यूजुअली मैं यहाँ पे आता हूँ तो मिसल खाता हूँ, क्योंकि मिसल इनका बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सब कुछ अच्छा है इनका। आपको अगर स्पेशल मराठी ऑथेंटिक फूड खाना है तो यहाँ पे आप आके खा सकते हो, आपको बहुत ऑथेंटिक पूरनपोली, थाली पीठ, मिसल, ये सब चीज़ें मिलेगी। तो अभी यहाँ से हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। गाइस बहुत टेस्टी है ये, और हर बार इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और इस बार इन्होंने प्याज के साथ है ना टमाटर काट के और कोरिएंडर डाला, जिसकी वजह से स्वाद और ज़्यादा अच्छा हो गया। आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे खड़ा रख के क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि अंदर पूरा फुल है, बैठने के लिए इक्का दुक्का जगह है, बट डजंट मेक सेंस। कोई दूसरा ग्रुप आएगा तो बैठ जाएंगे, हम तो अकेले हैं, यहाँ पे खड़े रख के खा सकते हैं। वो ग्रेटर इंटरेस्ट सोच के मैंने सोचा यहाँ पे खड़े रख के खाता हूँ। 2000 years later. सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है, मतलब जबरदस्त ब्रेकफास्ट, नंबर वन। इस तरफ से आप जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार यहाँ पे रुक के आप ब्रेकफास्ट या कुछ खा लो, अगली बार आप आओगे तो खुद ही रुक जाओगे। मतलब इस जगह का नाम है मनुष्य शक्ति, लेकिन यहाँ का ब्रेकफास्ट खाने के बाद मनुष्य शांति मिलती है, मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है और सुकून मिल जाता है। तो चलो, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं। और एक जगह है जहाँ पे मैं यूजुअली यहाँ पे आता हूँ तो जाता हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये लेफ्ट अब लोगे, तो लेफ्ट में ही ये मठ है, गाड़ी आपको बाहर पार्क करनी है और फिर आपको अंदर जाना है। शायद से यहाँ पे भी इनका कुछ उत्सव रहेगा, इसी वजह से ये पूरी तैयारी चल रही है। अरे नहीं, परसों प्रकट दिन था ना, तो ये अभी ये उतार रहे हैं, मतलब काफ़ी सारा बड़ा फंक्शन होगा। सो गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे कितनी शांति है, कोई भी आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ छोड़ के कोई आवाज़ ही नहीं यहाँ पे। आपको मालूम है स्वामी समर्थ कौन है, और अगर आप उनको मानते हो तो आप लोनावला आते हो तो एक बार यहाँ पे आ जाइए। जो मूर्ति है इतनी खूबसूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सुकून है ना, जो शांति है, एक बार आप उसका एहसास ले लीजिए। तो चलो अभी यहाँ से आप निकलते हैं और एक जगह जाना है, कहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं। A few moments later. तो चलो गाइस, यहाँ से निकलते हैं, अभी ग्लेस लगा लिए क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जिस धूप के लिए मैं सुबह तरस रहा था ना, उसके लिए अभी मुझे ग्लेस बनने पड़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मुंबई में इतनी गर्मी है, लेकिन जब मैं सुबह निकला, एक बार पनवेल मैंने छोड़ा, ठंड शुरू हो गई, और खंडाला के बाद तो मतलब जैसे ही खंडाला घाट शुरू किया हमने, उसके बाद तो बेहिसाब ठंड हो गई, मतलब लिटरली शिवर हो रहा था मैं। सो गाइस, मेन रोड पे आके मैंने फिर से यू टर्न ले लिया है। अभी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है मैप्रो, मतलब वो गली से आप जाओगे तो मैप्रो आगे की तरफ आता है, तो ज़्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं है ये। तो ये है राइट में मैप्रो। मैप्रो क्यों जाते हैं, मैप्रो से हमको लेना है जेली चॉकलेट, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है।
सो गाइस काफ़ी बड़ा है इनका ये सेटअप, आप देख सकते हो जेली स्क्वॉश जैम्स सब यहाँ पे मिलेगा, और वो भी बिना इशू वाला, मतलब जेन्युइन एकदम प्रोडक्ट्स है इनके। इट्स ह्यूज। सो गाइस ये एक स्टॉप है डायमंड चिकी, जहाँ से मैं हमेशा चिकी लेता हूँ, और क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है छोटी वाली, तो यहाँ से अगर गुजरना है तो चिकी ज़रूर लेना है, नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। बस अभी इसको अंदर रखते हैं चिकी को, ऐसे तो नहीं रहेगा, इसको फैला के रखना पड़ेगा। ओके, तो अभी बॉक्स फुल हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी ये स्ट्रेट रोड है, ये वाले हिस्से में ना गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब देखोगे ना रोड ये सुपर है, मतलब ऐसा ऊपर नीचे घाट सौरव। अब बस इतना ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है तो गाड़ी लेफ्ट राइट आती है, बट अदरवाइज आप राइट साइड देख सकते हो, दैट इज द वैली व्यू। चलो मैं यहाँ पे जरा रुकता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत बार हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी और एक बार देख लो। रियल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। ये एक पॉइंट है जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब जो लोनावला से निकल आते हैं वो यहाँ से एक्सप्रेस वे ज्वाइन करते हैं, और ये बाइक्स के लिए एंट्री है यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा न्यू एंट्री है, और कभी कभी बाइक वाले ना ये राइट मारते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। ओ पाजी फंस गया, चलो कोई नहीं पाजी, तुसी निकल लो फिर हम निकलते हैं। लोनावला आप वहाँ जाते हो तो कभी कभार ना एक आध बार ओल्ड हाईवे से आना तो पता चलेगा, बिकॉज नए हाईवे से ज्यादा ओल्ड हाईवे ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। हाँ छोटा है बट बहुत खूबसूरत है। दैट इज खोपोली नीचे। सो गाइस खोपोली में हमने राइट लिया है, ये रोड जाता है करजत। अभी करजत क्यों जा रहे हैं मैं बताता हूँ आपको पहुंचने के बाद। यहाँ पे भी काफी धूप है अभी, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। शायद से ये साथ में जो ट्रैक जा रहा है ये अपना लोकल ट्रेन वाला ट्रैक है। हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमें दिखा रहा 57 किलोमीटर और 1 घंटा लगेगा, 57 किलोमीटर नहीं है ये है 37 किलोमीटर और 57 मिनट्स लगेंगे भाई। मैंने जैसे कहा था पहले बिना चश्मे के मेरे लिए काला अक्षर वैस बराबर है, मतलब दूर का मैं ड्राइविंग वगैरह सब कर सकता हूँ, लेकिन अगर मोबाइल में देखना है या बुक पढ़ना है या नज़दीक में कुछ देखना है तो स्पेक्स की ज़रूरत है। तो वैसे आप ब्राइट शहर में देख सकते हो कितना खूबसूरत है घर है। सो ये घर नहीं एग्जैक्टली, ये है कल्पतरु अराय, मतलब शायद से लोग प्लॉट्स बनाते रहेंगे, छोटे बंगलोस का प्रोजेक्ट रहेगा।
उसी को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे है कंपनीज है जो लोग बंगलोज के प्लॉट या फार्म हाउस के प्लॉट प्रमोट कर रहे हैं। रोड सुपर्ब है, मतलब बहुत मजा आ रहा है। बीच में एक छोटा सा ऐसा पैच था, नॉट इवन 100 मीटर का, जहाँ पे काफी सारे खड्डे थे, बट अदरवाइज ये ऐसी रोड चल रहा है अभी तक। गाइस ये एक जंक्शन है, यहाँ से हमको राइट लेना है। राइट जाता है करजत स्टेशन, अभी मुझे याद आ रहा है एक बार मैं रात को करजत आया था तो ये रोड से आया था, ये जो लेफ्ट आ रहा है इसी रोड से आया था। सो गाइस ये जो लेफ्ट में दिख रहा है दिस इज सपोज टू बी योर रिवर, लेकिन ये नाला से भी बदतर है। जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको हम लोग खराब कर रहे हैं। अभी जैसे ये दिस कुड हैव बीन यू नो सोर्स ऑफ वाटर, बट अभी इसमें गंदा है पूरा, नो डाउट ये गंदगी जो है इसमें वो इन्हीं बिल्डिंग जो बने उसी की है, लेकिन उसका अगर प्रॉपर सिस्टम बनाते थे जहाँ से ये पानी गंदा पानी जाता था कहीं, तो प्रॉब्ली एक अच्छा पिक्चर दिख पाता ये। चलो कोई नहीं, देखते हैं, होप सो आगे जाके कुछ चेंजेस हो, बस इसी की उम्मीद हम कर सकते हैं। सो गाइस कहीं पे बायो ब्रेक लेना है, लेकिन क्या करे यहाँ पे कुछ ना कोई वॉशरूम दिख रहा है तो ना कोई सुनसान जगह दिख रही है जहाँ पे हम रिलीव कर सकते हैं खुद को। चलो देखते हैं, शायद से अभी हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं। ब्यूटीफुल इट इज, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। पेड़ जो है ये सूखे हुए नहीं है, ये अभी इनके पत्ते झड़ चुके हैं, ये वापस हरे भरे हो जाएंगे। बहुत अच्छा है घर, और ये आम के पेड़ है, अमराई कहते हैं। अभी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मराठी में अमराई कहते हैं। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आम के जो फार्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं। सो गाइस हम लोग काफी अंदर आ चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो रोड बहुत सुपर है, सिंगल लेन है लेकिन मस्त है, और कोई भी नहीं यहाँ पे। तो ये कोई गांव आ गया अभी, लेकिन ये गांव लग नहीं रहा क्योंकि दोनों तरफ बंगलोज है, बहुत ही खूबसूरत बंगलोज है। और अभी शुरू होता है गांव। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी रुका हूँ क्योंकि क्या हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बैटरी चेंज की थी क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी मेरी एक्शन कैमरा की, और अभी मैं जब ऑन करने गया कैमरा तो कैमरा हाथ में आ गया, अभी गिर सकता था, तो अच्छा है मैंने देख लिया। तो चलो कोई नहीं, बच गया तो आगे निकलते हैं। अभी भी ये 5 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 मिनट लगेगा, और आप नज़ारे देखो सुपर्ब है, मस्त व्यू है। और ये राइट साइड में इस स्लोप जैसा है, रियली ब्यूटीफुल यार, मतलब बहुत खूबसूरत है ये जगह। सो गाइस आप राइट साइड में देख सकते हो वो माउंटेन पे काफ़ी सारे विंडमिल्स है, अभी कैमरे में दिख रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट काफ़ी सारे विंडमिल्स है, और रोड ऐसे ही खूबसूरत होते जा रहा है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। आप सोचते रहोगे एग्जैक्टली मैं जा कहाँ पे रहा हूँ यार। जैसे हम एक गांव में आ चुके हैं, बहुत छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे, मतलब जितनी जल्दी ये आते हैं उतनी जल्दी ये ख़त्म भी होते हैं। ये देखो गाइस, हाउ इज इट यू टेल मी,
अभी बारिश में आप यहाँ पे आओगे तो मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहा है, इतना ये खूबसूरत रहेगा, जबरदस्त होगा ये, जबरदस्त। तो बस ये मेन रोड से एक छोटा सा ये डाइवर्जन है एज पर गूगल मैप, जाते हैं अभी आगे। सुपर भैया यहाँ पे बंगलोज काफी है। गाइस दिस इज द प्लेस, अभी हम यहां से निकल रहे हैं। तब पूछोगे एग्जैक्टली क्या था, सो दिस आर लाइक नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स है वेयर यू कैन बाय द लैंड एंड डेवलप सॉर्ट ऑफ अ बंगलो या फार्म हाउस जैसा सॉर्ट ऑफ। ऐसा कुछ तो प्लान नहीं था मेरा, बट क्या हो गया, मुझे एक सेल्स का कॉल आ रहा था एंड आई वॉज फॉलोइंग अप विद दिस लेडी। तो मैंने सोचा यार आज तक मैंने कभी ऐसे सब मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मैं ऐसे ये प्लॉट्स या लैंड का या तो कुछ प्रॉपर्टी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं पहली बार यहाँ पे ऐसे चीज़ में आया हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते एक बार क्या है, तो मैं समझने के लिए आया। सो द लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुपर लोकेशन है, अराउंड 90 किलोमीटर्स है मुंबई से या मेरे घर से थाने से। तो पता नहीं अभी मतलब देख तो लिया है, अच्छा भी लगा, बट बजट बजट का बहुत इशू है यार, मतलब जो कमर्शियल जो है वो मतलब मेरे हिसाब से मेरे बजट से बाहर है। ये राइट साइड में डैम है बोलते हैं, और ये देखिए ये वो रिवर यहाँ से वो फ्लो होता है राइट साइड में। तो चलो अभी घर जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे रुके, प्रोटीन बार खा रहा हूँ, ज़्यादा खाना नहीं है मुझे क्योंकि फिर नींद आएगी, क्योंकि सुबह 3 बजे उठा हूँ, रात को 12:30 बजे सो के 3 बजे उठ के अगर मैं कुछ खाना खाता हूँ तो नींद आ जाएगी। यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटा लगने वाले हैं हमको घर पहुँचने के लिए, ज़्यादा भी लग सकते हैं। एक प्रोटीन बार खाता हूँ, पानी पीता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। और ये वीडियो भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। सो गाइस आप राइट साइड में देख सकते हो 3 बच्चे और माँ बाप, ये ज़रूरत है या सेफ कितना है मुझे मालूम नहीं है। मतलब इतनी बड़ी जरूरत इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आप अनसेफ तरीके से बच्चों की जान खतरे में डालो।